देश में बढ़ती कोरोना पीड़ितों की संख्या को देखते हुए जहां लॉकडाउन लगाया गया है, ऐसे में पुलिस प्रशासन लगातार अपनी सेवा देने में जुटा हुआ है। पुलिस की यही कोशिश है कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी ना आए। आज हम आपको एक ऐसा ऑडियो सुनाते हैं जिसे सुनकर आप भी पुलिस प्रशासन की तारीफ करते नहीं थकेंगे। ये ऑडियो है विदिशा कलेक्टर का, जिनकी कार्यप्रणाली और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा आपको उनकी तारीफों के पुल बांधने पर मजबूर कर देगी। हेलो, नमस्ते सर। वो विदिशा मंडी से सर मैं बोरा तरबूज भरने जा रहा था। तो सर ये अपने गाड़ी चेक पोस्ट पर गाड़ी रोक लिए, जाने नहीं दे रहे, कह रहे बात कराते हैं आपसे। कौन चेक पोस्ट पर रोक लिया है, कहाँ पे? ये सर गाड़ी पे, गाड़ी गैरतगंज, गाड़ी गैरतगंज सर। अपनी बात करो। जी सर, जी। हेलो सर, प्रणाम सर। कलेक्टर विदिशा बोल रहा हूँ। जी जी सर, प्रणाम सर। इनको क्यों रोका है भाई? सर ये क्या है कि बॉर्डर पे है सर, ये अपना बैरिकेड्स वगैरह लगा है। नहीं नहीं, तो मालवाहक वाहनों को क्या बॉर्डर पे रोकने के आदेश है आपके एसपी साहब के? ये पता नहीं सर, बोले वही कि आप पुलिस में है, आपको पता नहीं तो कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो सर ये था कि वो आपसे क्या मैं ये बातें सुनना पसंद करूंगा कि आपको पता नहीं है? पता तो है सर। तो पता है तो मालवाहक वाहन तो रोकने नहीं है, चाहे खाली हो या भरे, ये तो पता होगा आपको। चलिए सर, छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं छोड़, आप नाम बताइए जरा अपना। मेरे सर, मैं प्रधान आरक्षक राम ने बोल रहा हूँ। सुमन एक मिनट, एसपी विदिशा बात करें। विनायक वर्मा जी, कि साहब आप सस्पेंड किए जा रहे हैं अभी इसी वक्त से। कानून ना पता होना ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल ही जायज नहीं, और बहुत शर्म की बात है। तरह से अफवाह मत करो, जाके वर्दी टांगो अपनी थाने में, आपको मैं सस्पेंड करो तत्काल प्रभाव से। तो आपने सुना ऑडियो? दरअसल हुआ कुछ यूं कि विदिशा कलेक्टर के पास एक फोन आया जिसमें एक व्यक्ति ने कहा कि सर मैं तरबूज लेकर जा रहा हूं, मुझे यहां पर चेक पोस्ट पर रोक लिया गया है। इसके बाद कलेक्टर साहब ने पूछा कि कौन सी चौकी पर आपको रोका है। इस पर सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि साहब गड़ी गैरतगंज चेक पोस्ट पर रोक लिया है और कह रहे हैं कि पहले बात कराओ फिर जाने देंगे। इसके बाद कलेक्टर साहब ने कहा कि बात कराओ। सामने से एक आरक्षक ने फोन लिया और कहा कि इन्हें क्यों रोका है। इस पर आरक्षक ने कहा कि सर बैरिकेटिंग हुई है इसलिए रोका गया है। सामने से कलेक्टर साहब ने कहा कि बैरिकेटिंग हो या कुछ भी हो, लेकिन जब आपको पता है कि मालवाहक वाहनों को नहीं रोका जाएगा तो आपने इन्हें क्यों रोक लिया है? क्या आपको नियम कायदे नहीं पता? क्या आपके एसपी साहब ने आपको इसके आदेश नहीं दिए? कलेक्टर साहब ने आगे ये भी कहा कि आप पुलिस में हैं और आप नियम कायदे नहीं पता ये बोल रहे हैं, तो मैं आपसे ऐसी बात कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? इसके तुरंत बाद ही कलेक्टर साहब ने थाना एसपी से संपर्क किया और उसी कॉल पर थाना एसपी ने आरक्षक को ये कहते हुए कि फिलहाल की परिस्थिति में आपको नियम कायदे नहीं पता होना शोभा नहीं देता है, इसलिए आपको निलंबित किया जाता है, कहकर उन्हें निलंबित कर दिया। विदिशा कलेक्टर का ये ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस ऑडियो को सुनने के बाद विदिशा कलेक्टर और पुलिस प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा भी की जा रही है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.